जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दशहरा है। दशहरे के इस पावन अवसर पर हम लोग विद्याधर नगर क्षेत्र स्टेडियम में आए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज देखने को मिली है, अयोध्या से आई हुई राम ज्योति यहाँ पे आई हुई है, जहाँ इस जिससे ना यहाँ पे रावण का दहन होगा। हम जानते हैं यहाँ पे भगवान श्री राम के जन्म स्थली रामलला का जो मुख्य स्थान है अयोध्या जी, वहाँ से जो निज मंदिर में अखंड ज्योत है उससे ज्योत से ज्योत प्रज्वलित करके हम लोग राजस्थान के 51,000 मंदिरों तक इस ज्योति को पहुँचाने की एक मुहिम को लेकर के निकले हैं। मंदिरों के माध्यम से परिवारों में ये ज्योति जाएगी और परिवारों के अंदर इस दीपावली के दिन 108 दीपमाला प्रज्वलित होने वाली है। कैलकुलेशन से देखा जाए तो 51,000 मंदिर, लगभग 60-70 लाख परिवार और 125 अरब ज्योति इस बार दीपावली को प्रज्वलित होने वाली है। इस मुहिम के पीछे हमारा एक लक्ष्य है कि जो श्री राम जन्म भूमि पर जो मंदिर बन रहा है, सभी भारतवासियों का और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो योजना हमारी थी, योजना जो थी उस योजना को स्वरूप मिल रहा है, उसकी खुशी में हम लोग राम राज्य महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के तहत हम प्रत्येक भारतवासी को आग्रह करेंगे कि इस दीपावली के दिन इस राम ज्योति से दीप प्रज्वलित करके, दीपावली तक अखंड रख करके और दीप माला सुसज्जित करें। हमारे साथ इसमें राष्ट्रीय संयोजक राम ज्योति यात्रा के प्रदेश माथुर जी हैं। आगे की जानकारी माथुर साहब आपको देंगे। मेरा नाम प्रीतेश माथुर है, राष्ट्रीय संयोजक राम ज्योति यात्रा का। जैसा भाई साहब ने बताया कि यह लगभग 51,000 मंदिरों में राजस्थान में पहुँच गई और वहाँ से हर परिवार ज्योत से ज्योत जलाकर अपने घर में लेके जाएगा और दीपावली पर इस राम ज्योति से दीपक जलाएगा। आज यहाँ पर दशहरा मैदान विद्याधर नगर में हम लोग राम ज्योति लेके आए हैं। इसी तरह से जयपुर के विभिन्न स्थानों पर भी राम ज्योति पहुँच चुकी है और पूरे जयपुर शहर में रावण महीन का जो कार्यक्रम है वो इसी राम ज्योति। राम ज्योति से राम राज्य की ओर बढ़ाएं आप भी अपने घर, और ऐसी अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए NBSC। नमस्कार।